लक्ष्मी नारायण
श्री युगल सरकार के युगल चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, भगवान की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृ शक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। भगवान ने अहेतुकी करुणा करके
अहेतु की करुणा का ही प्रायस में कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है। अकारण करुणा करने वाले श्री ठाकुर ने हम सबको मानव शरीर दिया है और ये मानव शरीर आप लोग मानो या न मानो केवल 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 भगवत प्राप्ति के लिए ही है, इसका और कोई प्रयोजन ही नहीं है। भगवत प्राप्ति कह लीजिए, ब्रह्मात्मिक के बोध कह लीजिए, भगवत दर्शन कह लीजिए, जो भी आपको शब्द जचते हो उन शब्दों के चयन कर लीजिए, किंतु निश्चित रूप से ये है तो भगवत प्राप्ति के लिए। और भगवान की प्राप्ति में जो सर्वश्रेष्ठ साधन है वह निश्चित रूप से भगवत प्रेम ही है। भगवान की प्राप्ति का प्राकृतिक साधन भगवत प्रेम। भगवान शंकर ने रामचरितमानस में एक बड़ी रसीली बात कही, जब संसार में अत्याचार पापाचार दुराचार का बहुत विस्तार हो गया, देवता घबरा गए, धरित्री के सहित यह विचार करने लगे कि हम कैसे परमात्मा के सम्मुख जाएं और अपनी पीड़ा उन्हें सुनाएं। भगवान शंकर भगवती पराम्बा जगदम्बा उमा से कहते हैं, उस सभा में मैं भी था। कई लोगों ने अलग अलग बताया कि क्षीर सागर चलो, अमुक जगह चलो, अमुक जगह चलो। भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने तो यही बताया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। नहीं, कभी मैं कल्याण में श्लोक देख रहा था, बचपन में सुना था वो, कि भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, तो गिनाया उन्होंने 8-9 चीजों को कि ध्रुव की कोई अवस्था बड़ी थी क्या? आप जरा विचार कीजिएगा, जटायु का कोई आहार पवित्र था क्या? विदुर की कोई जाति उत्तम थी क्या? ये सारे जितने हेतु हैं ये सब संसार में सम्मान सुविधा पाने के लिए श्रेष्ठ होंगे, किंतु भक्तिर प्रिय माधव, भगवान को भक्ति प्रिय है। और भक्ति ये हृदय की अद्भुत गति है। भगवान ने करुणा करके सबके हृदय में ये प्रेम तो दिया है, किंतु उस प्रेम जो परमात्मा ने हमको दिया है अपने लिए, हम उसका प्रयोग दूसरों के लिए कर रहे हैं। बिना प्रेम के तो कोई रहता नहीं है। हमने तो देखा है कुत्तों को भी प्रेम प्रिय है, सिंह को भी प्रेम प्रिय है, हाथी को भी प्रेम प्रिय है। आप गाय को कभी हाथ घुमाने लगो वह इतनी प्रसन्न हो जाती है। तो प्रेम सबको प्रिय है, किंतु ये जो प्रेम हम लोगों ने विस्तार कर रखा है, बाबा तो हमारे कहते हैं कि 10 जगह विस्तार कर दिया, जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तन, धन, भवन, सुहृद, परिवारा, सबकर ममता ताग बटोरी। इन सभी धागों को
इकट्ठा करके बटोर करके समेट करके एक रस्सी बना करके बस भगवान के चरणों में बांध दिया जाए। किंतु नारायण मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे, शायद आप इस रोग से भयभीत होंगे जिसका नाम कोरोना है। ये रोग नासिका के माध्यम से, मुख के माध्यम से आपके फेफड़ों तक पहुंच जाता है और फेफड़ों को जर्जर कर देता है। किंतु ये प्रेम रोग भी ये नासिका से नहीं जाता है, मुख से नहीं जाता है, ये कान से जाता है और कान से जाकर ये अन्य अंगों पर प्रभाव नहीं डालता है, ये सीधे हृदय पर डालता है। हृदय को कृष्ण रंग में रंग देता है और यदि कहीं प्रेमियों की वार्ता सुनने को मिल जाए, ये प्रेम की वार्ता भी हमें प्रेमी बनाती है। आप जरा विचार करना, हम जो पैसे के प्रेमी बन गए, प्रतिष्ठा के प्रेमी बन गए, ये देख देख करके सुन सुन करके ही तो बने। ऐसे भगवान के प्रेमी बनना हो तो निश्चित रूप से सुन सुन करके, और भगवान भी अवतार काल में ऐसी ऐसी दिव्य दिव्य लीला करते हैं कि अवतार काल में होने वाले लोग उस लीला को देख कर तर जाएं, और जब अवतार काल नहीं है तो उस लीला को सुन करके लोग तर जाएं। आइए हम सब ब्रजांगनाओं के साथ गोविंद के समीप चले। वैसे तो इन ब्रजांगनाओं को गोविंद ने स्वयं आहूत किया है, स्वयं बुलाया है, और इनके बुलाने पर ये दौड़ दौड़ करके आई हैं। बाद में श्री कृष्ण इनके हृदय के प्रेम को प्रकट करने के लिए अभी वियोग दिया नहीं है, वियोग का भय दिया है। भगवान सन्मुख हैं, सामने खड़े हैं, वन का भय दिखाकर, परिवार का भय दिखाकर, समाज का भय दिखाकर और अपने हृदय की दुर्बलता का भय दिखाकर आप लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं, लगभग हम लोगों का अंतःकरण इतना दुर्बल है कि हम भगवान तो क्या कहें, महापुरुषों के भी समीप रहने लायक नहीं है, उनके समीप बैठने लायक नहीं है, क्योंकि उनके समीप भी बैठेंगे तो उसमें भी दोषारोपण ही करेंगे, उनमें भी हम दोष खोजेंगे और अपने अंतःकरण को दोषयुक्त कर लेंगे। भगवान ने कहा कि तुम श्रवण करो, कीर्तन करो, दर्शन करो, किंतु मेरे पास मत रहो, सन्निकर्ष से तुम्हारा मंगल नहीं होगा, इसलिए घर चली जाओ। गोपांगनाओं ने जो सुना तो गोविंद के सामने उन्होंने बात कही और गोविंद के साथ उनका जो संबंध है वो संबंध ऐसा संबंध है कि उसमें कहने और सुनने का दोनों का अधिकार है। वैसे तो प्रवचन की जो भाषा होती है या शास्त्रों की जो भाषा होती है वो तीन प्रकार की होती है, राज आज्ञावत, सुहृद सम्मति और कांता सम्मति। राज आज्ञावत का अभिप्राय क्या है, जब कोई राजा आज्ञा देता है
ये काम करो, तो उसमें प्रश्न नहीं किया जा सकता क्यों करें। जैसे वेद कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, बोले सत्य बोलो किंतु प्रिय बोलो, ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो। तो प्रश्न ही होगा क्यों बोलें प्रिय, क्यों सत्य बोलें। जब राजा आज्ञा देता है तो फिर उसके बाद प्रश्न नहीं उठता है, किंतु जो सुहृद सम्मति होती है उसमें जब सुहृद जन कोई बात कहते हैं कि तुम ये बात करो तो वहां पूछने का अधिकार होता है क्यों करें, और इससे करने से क्या मिलेगा, और लोगों ने कौन कौन से लोगों ने किया है जिनको लाभ हुआ है। किंतु सबसे मधुर शैली होती है जिसका नाम प्रिया सम्मति है। इस प्रिया सम्मति में पूछने का अधिकार भी है, कहने का अधिकार भी है, ध्यान रखना इसमें प्यार करने का भी अधिकार है, तकरार करने का भी अधिकार है। प्रेम से हम अपने प्रीतम के सामने अपने हृदय की बात तो रख सकते ही हैं, और उनकी सुन करके उनकी बात काट करके भी अपनी बात रख सकते हैं। गोपांगनाओं ने श्री कृष्ण के सामने एक बात रखी, गोपियां कहती हैं कि आप कहते हो परिवार की सेवा करो, आप सबसे हमारी प्रार्थना है अपने को गोपियों के स्तर पर समझ मत लीजिएगा, भ्रांति मत पाल लीजिएगा, गोपियों जैसा अंतःकरण प्राप्त करने के लिए बहुत काल चाहिए, गोपियों जैसा त्याग, गोपियों जैसा समर्पण, और ये सब की सब आर्य परंपरा से जीने वाली थी। ध्यान दीजिएगा, धर्म का परित्याग करने को उसी को कष्ट होता है जिसने कभी धर्माचरण किया हो, यदि धर्माचरण न किया हो तो धर्म का त्याग करने में कष्ट कहां होगा। जो कभी परिवार में रहा हो और परिवार की सेवा उसने ईमानदारी से की हो, परिवार को संभाला हो, उसी को परिवार को छोड़ने में कष्ट होगा। उद्धव जी महाराज गोपांगनाओं की चरण रज क्यों चाहते हैं, आप उद्धव जी महाराज की भाषा पढ़ेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि उद्धव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, श्री कृष्ण के दैता सखा हैं, और उस समय यदुवंशियों के सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मंत्री हैं, महामंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। और ध्यान रखना, हमने अनुभव किया इस बात का, आप लोग भी अनुभव कर लेना, दो लोग जल्दी नहीं मानते हैं। आप चाहे कितने बड़े विद्वान बन जाना, चाहे कितने प्रतिष्ठित बन जाना, किंतु दो लोगों से तो सम्मान की आशा कभी मत करना, एक पड़ोसी से और एक घरवाली से। घरवाली तो कभी पांडे जी करती नहीं है, हो गए रामायणी आप बने रहो, हो गए वक्ता आप बने रहो, कहती मैं सब जानती हूं तुम्हें, ये जो कहां से सुनाते हो वो भी हमको पता है। किंतु महाराज एक विलक्षणता बताएं, उद्धव सर्व समाज में सम्मानित थे। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैता सखा, वृष्णी वंश में प्रवर थे, अपने वंश में सम्मानित थे। उद्धव जी महाराज का इतना सम्मान था, आपको क्या कहें, जब सभा में ऐक्य नहीं होता था, श्रीकृष्ण की भी बात मानने को लोग तैयार ना हों,
सभा में कई बार ऐसा हुआ है, किंतु जो श्री उद्धव जी महाराज कह देते थे उद्धव की बात मान जाई जाती थी। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे, भगवान ने अपने मुख से कहा उद्धव, उद्धव जो हमसे अणुअपि मन न्यूनो, अणु भर भी न्यून नहीं है। पूछा आपसे अणु मात्र न्यून क्यों नहीं है, उन्हें रौंदा नहीं। सब लोग विषयों के आश्रित हो जाते हैं, अभी पता नहीं कहां से कैसे, मुझे तो समझ में आता नहीं है। हमारे वृंदावन में भी और वक्ताओं में उद्धव के प्रति पता नहीं कौन सी दुश्मनी है। वृंदावन में तो रसिक वक्ता कहते हैं उद्धव जी ज्ञान का दुशाला ओढ़कर आए थे, गोपियों ने इतने डंडे बजाए, इतने डंडे बजाए कि उनका दुशाला ज्ञान गुदड़ी बन गया। वहां ज्ञान गुदड़ी स्थान है, कहां लिखा है? और जरा बताओ, आप किसी के यहां जाओ और आपका सम्मान न हो तो आप 10 दिन रुक पाओगे? उद्धव जी महाराज 10 महीने वृंदावन रहे, और आपको कोई गाली दे, आपको डंडे मारे और आप उनके अनुचर बन जाओ, ये संभव नहीं है। गोपांगनाओं ने श्री उद्धव जी का पूर्ण सम्मान किया है, पूर्ण सम्मान किया है। उद्धव जी का व्यक्तित्व था ही ऐसा, किंतु पता नहीं फैशन चल गया है ज्ञान और ज्ञानियों का अपमान करना। किंतु जरा विचार करना, रामचरितमानस के आधार पर भी ज्ञानी ही प्रभु ही विशेष प्यारा, ज्ञानी भक्त भगवान को विशेष प्यारा है। तो जो भगवान को प्यारा है, आप उसका अपमान करो, उसको गाली दो, तो क्या भगवान तुमको प्यार करेंगे? गीता के आधार पर भी 4 प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। आप कम से कम यदि भक्त ना भी मानो, भगवान स्वयं कह रहे हैं ज्ञानी भक्त है हमारा, और ज्ञानी भगवान की आत्मा है। आप जरा विचार करो कि आत्मा का यदि अपमान करोगे तो क्या तुम्हें सम्मान मिल पाएगा? एक पता नहीं कहां से ये भ्रांति पैदा हो गई है, और अच्छे अच्छे साधकों में, कहेंगे तो वेदांती हैं, ये तो ज्ञानी हैं, जैसे किसी का सबको सर्वस्व हरण कर लिया हो। और एक फैशन सा बन गया है, किंतु मैं निवेदन करना चाहता हूं ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो सनातन धर्म में हो और जिसमें ब्रह्म विद्या की चर्चा न हो। रामायण में जहां देखो वहां, अब तुलसीदास जी महाराज से बड़ा तो मैं वैष्णव मानने को तैयार नहीं हूं किसी, उनकी भाषा आप पढ़िए। अब देख ली राम जी की स्तुति में उन्होंने जो प्रयोग किया है, पूर्ण वेदांत का प्रयोग है। माया मनुष्यम हरिम, ये माया से ही हरि बन गए, मनुष्य बने माया से। तो निवेदन इतना ही जो मेरे को कहना था आप सबसे, आप अपने को प्रेमी मानिए, प्रणाम है। आप अपने को कर्मनिष्ठ मानिए, आपको प्रणाम है। आप अपने को निष्कामी मानिए, आपको हमारा प्रणाम है। किंतु किसी का अपमान करने का अधिकार तुमको किसी ने दिया नहीं है, गाली देने का अधिकार तुमको किसी ने दिया, जैसे हमको किसी को भक्त का अपमान करने का अधिकार किसने दिया? कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ व्यक्ति का अपमान करने का अधिकार हमको किसने किया? न तो हमारे गुरु ने दिया, न हमारे शास्त्र ने दिया। ये तो छंखलता है,
तो उद्धव जी महाराज की जो भाषा है, ये सब विशेषताएं होने के बाद भी आप उद्धव को कैसे पहचानते हो, आप कृष्ण को कैसे जानते हो, आप श्री राम को कैसे जानते हो? शास्त्रों से जानते हो। अगर शास्त्र न हो तो श्री राम की व्याख्या कौन करेगा? शास्त्र न हो तो श्री कृष्ण की व्याख्या कौन करेगा? भागवत न हो तो गोपियों की पहचान कौन बताएगा? भागवत जिन महापुरुषों की पहचान बताता है, यदि उनके प्रति भी अपमान की भाषा हमारे चित्त में हो, उपेक्षा की भाषा हो, तो हम कहां जाएंगे हमें पता ही नहीं। उद्धव जी महाराज गोपांगनाओं के विषय में जो चाहना है उनकी, उद्धव जी महाराज कहते हैं आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम, या दुस्त्यजम स्वजन आर्य पथम चहित्वा। स्वजन और आर्य पथम, दुस्त्यज, इनको अपना परिवार भी छोड़ना दुस्त्यज था और आर्य पथ छोड़ना भी दुस्त्यज था। वैसे तो परिवार छोड़ना सबके लिए दुस्त्यज होता है, किंतु स्त्री के लिए ज्यादा होता है। पुरुष की अपेक्षा स्त्री का राग परिवार से ज्यादा होता है। और कुंती बुआ ने तो श्री कृष्ण से कहा प्रथम स्कंद में कुंती स्तुति में कि हे श्री कृष्ण, हमारा राग तो पांडुवंश में भी है, वृष्टि वंश में भी है। माताएं दोनों तरफ बंधी रहती हैं जी, 80 साल की हो जाए तब भी पियर छूटता नहीं। पियर से जो प्यार है वो परमात्मा से ज्यादा है जी। कई माताएं तो हमसे पूछती है, महाराज जी इस समय मेरे भाई का काम चलता नहीं है तो यहां से घर से चुरा कर भेजने में कोई दोष तो नहीं है? तो मैं भी विनोद में कहता हूं कि थोड़ा हिस्सा हमको भी दे दिया करो। नारायण ये राग है जी, वो तो विनोद की बात है, राग है। तो इसलिए अब कुंती बुआ से कोई माताएं नाराज मत होना, कुंती बुआ से ज्यादा अंतकरण कहां पाएंगी। कुंती बुआ ने अपनी स्तुति में कहा कि महाराज हम आपको कथम कैसे निहार पाएंगी, आप सब जगह नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर भैरवस्थितम तथा परम हंसानाम अमलात्मानाम। महाराज बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा आपको देख पाते हैं, आप सब जगह हैं। बाद में कहती हैं कथम पश्येम हि स्त्रियः, ये तो परमहंस महात्मा लोग देख पाते हैं, मैं तो स्त्री हूं। स्त्री कहने का अभिप्राय हृदय राग रंजित है, स्त्री होना कोई दोष नहीं है, राग रंजित हृदय है, राग से भरा हुआ रंजित हृदय अंतःकरण है। तो गोपियों को अपने बच्चे छोड़ना कोई बच्चों का खेल था, धर्म का परित्याग करना उनके लिए कोई बच्चों का खेल था, वह धर्मावलंबी थी, वो आर्य पथ की अधिकारिणी थी, आर्य पथ पर चलने वाली थी, आर्य पथ की महिमा जानती थी। किंतु गोपांगनाएं कहती हैं कि सब कुछ जानने के बाद भी हमने क्यों छोड़ा। बोले कुरुवंति ही त्वयि रतिम कुशलाह स्व आत्मन, हे मेरे आत्मा, हे मेरे हृदय, कुशलाः नारदादयाः संताः कथयन्ति। ध्यान दीजिएगा, कुशल कौन है? आजकल तो ये लगभग शब्द गायब हो रहा है, कुशल। पहले अधिकतर ये प्रयोग पत्रों में होता था, यहां तो सब अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहां कुशल सब भांति भलाई, वहां कुशल राखे दुराई। पांडे जी महाराज आपका बड़ा प्रभाव है, हमको ही रामायण चौपाई अपने आप याद आ जाती है, हमने याद नहीं किया है। आप बैठे तो अपने आप सचमुच में वक्ता वही बोलता है
जो सन्मुख श्रोता बैठा होता है, वक्ता के लिए श्रोता का बहुत महत्व है। ये बात हमको पहले समझ में नहीं आती थी। महर्षि कहते थे हमारे कि जब ये सब श्रोता लोग बैठ मौन होकर बैठ जाते हैं तो उनकी जो बोलने की शक्ति है वो वक्ता के पास पहुंच जाती है। होती श्रोता की शक्ति है और वक्ता के पास पहुंच जाती है। मैं भी कई बार आश्चर्य करता हूं, अभी तो थोड़ा ठाकुर जी कृपा से कोरोना की कृपा हुई है, थोड़ा विश्राम हो रहा है, नहीं तो अपने राम महीने में तीन चार वाले हैं, कभी तीन कभी चार कथा कहने वाले, और वर्षों से कई बार तो छह छह महीने तक वृंदावन न जाए, बारह ही कथा करते रहते, किंतु मैंने देखा कि जैसा श्रोता होता है वैसी कथा बहने लगती है। मुझे भी आश्चर्य लगता है और कि कैसे, ये तो श्रोता का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं निवेदन इतना ही करा था, कुशल शब्द जो है पहले पत्रों में प्रयोग होता था, अब पत्र ही बंद हो गए। आपको सच कहें, हमको तो आजकल बहुत डर लगने लगा है, किससे? ये मोबाइल रूपी असुर से, ये सबसे बड़ा असुर है। समय खा रहा है, बुद्धि खा रहा है, स्वास्थ्य खा रहा है, और बड़े बड़े अच्छे लोग जी, हमारे कई परिचित विद्वान हैं, वो वृंदावन में आते हैं आश्रम में, उत्सव आदि में, वो मंच में भी। हमको लगा कि हे भगवान, ये तो गले पड़ गया है जी। हमको लगता है कि शायद किसी के पास मोबाइल में रहे तो बहुत जल्दी मर जाएंगे लोग, क्योंकि उसकी आदत पड़ गई है। ये यंत्र का होना ये चाहिए कि उसका प्रयोग हम करें, किंतु दुर्भाग्य ये है कि अब ये यंत्र हमको प्रयोग में ला रहा है। यंत्र को हम नहीं चला रहे हैं अभी, ये यंत्र हमें चला रहा है। आप कभी विचार करिएगा कि इस यंत्र में कितना समय हमारा जाता है। जो यस और नो में वार्ता हो सकती थी वो हम घंटे लगा देते हैं, और अर्थ उसका कुछ नहीं है, न सत्संग है न वार्ता उसमें कुछ। तो ये मोबाइल जब से आया तब से, अभी मैं किसी महापुरुष के पत्र पढ़ रहा था, साधकों ने उनसे प्रश्न किया है तो साधकों को प्रश्न के उत्तर उन्होंने दिए हैं पत्रावली। तो जैसे प्रश्न पढ़ना प्रारंभ किया मैंने उनका पत्र, जाने कितने प्रश्नों का समाधान तो हमारा हो गया, और लिखे गए थे आज से 50 साल पहले, और वो कई प्रश्नों के समाधान हमारे थे उसमें। बाद में मुझे लगा कि आने वाली पीढ़ियों को ये पत्रावली मिलने वाली नहीं है, क्योंकि पत्रावली को ये मोबाइल खा गया होगा, कोई पत्र आजकल लिखता विखता नहीं है। पहले पत्र लिखा जाता था तो यही लिखा जाता था कि यहां तो सब कुशल है, आप कुशल से हैं कि नहीं। तो ये कुशल कौन है? हमारे सीधा स्वामी पाद ने लिखा है, नारद आदि ऋषयः कुशलाः। ये संसार में रहकर संसार से राग न करे वही कुशल है। ध्यान दीजिएगा, संसार में रहकर संसार से राग न करे, और संभव है, असंभव नहीं है। मैंने एक निवेदन किया था कि कमल जल में रहता है, जल उसका जीवन है, किंतु क्या कमल में जल ठहरता है? आप संसार में भले रहो किंतु संसार आप में ना आए, वही कुशल है। भाई ये संसार के पीछे क्यों पड़ गए हो? ये पता नहीं बाबा जी लोगों को क्या हो गया है, ये जब देखो तब संसार की निंदा, संसार की निंदा, संसार की निंदा। एक तो सज्जन बोले बाबा जी लोगों को मिला नहीं है ना, जो नहीं मिलता उसकी निंदा में लग गए। अगर इनको स्वाद मिला होता तो ये भी चखते, ऐसा है नहीं नारायण। ध्यान दीजिएगा,
नित्य प्रिये पति सुतादि भी आरती दई किम। इस संसार में जितने संबंध हैं, राग होने के बाद परिणाम में ये दुख ही देंगे। कोई संबंध सुख नहीं देता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सज्जन भी दुख देते हैं, दुर्जन भी दुख देते हैं। सज्जन पुरुष भी कष्ट देते हैं। ये मत समझना कि परिवार में कोई बहुत सज्जन हो और हमारा ध्यान रखता हो तो वो कष्ट नहीं देगा, सुख देगा, वो भी कष्ट ही देगा। और मेरी तो अनुभूति ऐसी है कि दुर्जनों से ज्यादा ये सज्जन कष्ट देते, ज्यादा कष्ट देते। आप कहेंगे क्यों? मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुरत एक प्राण हर लेही। अरे नारायण, दुर्जन तो मिलते समय दुख देता है, किंतु जब सज्जन बिछुड़ जाता है और उसकी स्मृति आती है, हमको जिन महापुरुषों से प्रेम मिला है अभी भी उनका स्मरण आता है, अभी नहीं है, शरीर नहीं है, तो हृदय भराता है और प्राण फड़फड़ाने लगते हैं। और बाद में लगता है कि अब तो दोबारा कभी मिलने वाले ऐनी शरीर से तो कहां मिलेंगे। कारण क्या है? इस संसार से प्रेम क्यों नहीं करना है? एक उदाहरण से आप समझ जाएंगे। एक बहुत बड़े उद्योगपति का एक पुत्र है, एक ही पुत्र है। उस उद्योगपति के पास में बहुतायत धन है, उसको पता भी नहीं कि धन कितना, एक ही पुत्र है। कोई बहुत बड़े रोग का शिकार हो गया और वह ऑक्सीजन पे वेंटिलेटर पर है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि अब किसी समय भी इसके प्राण अवरुद्ध हो जाएंगे, रुक जाएंगे। उद्योगपति पेपर में इजहार दे कि 32 वर्ष का लड़का है, बहुत उसके पास डिग्रियां हैं, पढ़ा लिखा है, लाखों अरबों डॉलर का वह स्वामी है, उसके योग्य एक सुंदर कन्या की आवश्यकता है, किंतु किसी भी समय मर सकता है। आप लोग सब समझदार हो, कोई समझदार व्यक्ति अपनी कन्या उसको देगा? या कोई समझदार कन्या जाएगी कि मरते ही विधवा हो जाए? तो नहीं जाएगी। ऐसे ध्यान रखना, ये सारा का सारा संसार, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, ये सब ऑक्सीजन पर ही अटके हैं, वेंटिलेटर ही पर है हम सब। थोड़ा सा कनेक्शन कटेगा सांस का तो काम पूरा हो जाएगा। अब कोई बुद्धिशाली व्यक्ति इन मरने वाले लोगों से तो प्यार करेगा नहीं। और सचमुच में जितने भी संबंध हैं आपके, उनकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, गारंटी भी नहीं, वारंटी भी नहीं। कई बार गारंटी नहीं देते तो वारंटी दे देते हैं। गारंटी काल में हो तो बदल भी जाता है मामला, और यदि गारंटी काल में नहीं है तो गारंटी तो है ही नहीं, कब कहां कैसे शरीर पूरा हो जाए। अभी हमारे श्री डूंगरगढ़ से राजस्थान से आते हैं सज्जन राजा जी, कहते हैं उन्होंने हमको, बड़े सत्संगी है यहां। अभी राजस्थान में बहुत जगह नित्य सत्संग चलते हैं। डूंगरगढ़ में एक सत्संग चलता है, एक महाराज थे बाबूजी हमारे, उन्होंने सत्संग चलाया, 4 बार चलता है बाबूजी, और इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं,
मुझे तो देख करके कई बार लगता है कि अभी तीर्थों में सत्संग ऐसा दुर्लभ है। बिल्कुल, मैं तो जाता हूं वहां, और सुबह महाराज 12 महीने 4 बार सत्संग करते हैं वो लोग। कभी स्वामी जी का ग्रंथ पढ़ते हैं, कभी कोई ग्रंथ पढ़ते हैं। देखकर आता है कैसे भी परिवार हैं जिनको सत्संग से इतना प्रेम है। आजकल तो ये सीजनेबल सत्संग तो होने लगा तीर्थों में, सीजन का सीजन ऑफ हुआ, सत्संग ऑफ हो गया, उनका सीजन का नहीं है। तो महाराज 12 महीने का, तो राजा जी हमारे पास आते हैं, बैठे एक दिन हमारे पास लेकर श्री डूंगरगढ़ में आए। वो बहन होगी लगभग 32-35 साल की होगी, चला गया। 3 बहनें हैं, भगवान की कृपा है कि सत्संग में लग गई। तो उसको है कि कैसे हमारे पति का उद्धार हो जाए। उन तीनों बहनों को देखता हूं तो मैं हृदय झुक जाता है कि अभी भी भारत में ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों में चंचलता नहीं है, एकदम पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मुझे कई बार लगता है कि देखिए अब किस उम्र में कौन सा प्रेमी कहां बिछुड़ जाए, कुछ पता नहीं है कि कहां चला जाएगा। इसलिए गोपियां कह रही हैं कि जो पति सुत आदि हैं वो आरती देने वाले हैं, दुख देने वाले, और जो दुख देने वाले, और आप हमको कभी दुख नहीं दोगे, आपसे हमारा बिछोह नहीं होगा, क्योंकि आप हमारी आत्मा हो। आत्मा का बिछोह कैसे, इसलिए आत्मन शब्द का प्रयोग किया। इसलिए बड़े बड़े महात्मा जो काम करते हैं वो हम कर रही हैं। नारद आदि जो आपसे प्रेम करते हैं वो हम प्रेम कर रहे हैं। सभी शास्त्र कहते हैं कि संसार में कुशल वही है जो परमात्मा से प्रेम करता है। अगर परमात्मा से अतिरिक्त आप प्रेम करोगे तो आपको दुख के अतिरिक्त कुछ मिलने वाला नहीं है। और बंधुओं, न विश्वास हो तो करके देख लेना, यहां सौदा उधार नहीं है। आप दुख के अलावा कुछ नहीं पा सकोगे। इसलिए गोपियां कह रही तन्नह प्रसीद बरदेश्वर महात्म चिन्ह्या। गोपियां गुण जगा रही हैं। ध्यान रखना, भगवान अखिल गुण गण निलय हैं। भगवान में सब गुण हैं। साधक अपनी स्तुति से जो गुण जगा पाता है वही गुण जग उनका गुणों का लाभ ले पाता है। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि हमारे पूज्य पंडित जी महाराज कहते थे कि बाली को स्तुति करना नहीं आया। बाली ने कहा कि धर्म हेतु अवतरो गुसाई, तो दुहाई किस बात की थी धर्म की, तो भगवान ने कहा इसलिए तेरे को मारा है। अगर करुणा का गुण जगाते तो करुणा प्रकट होती, कृपा का गुण जगाते तो कृपा प्रकट होती। भगवान में जो गुण जगाओगे वो गुण प्रकट हो जाएगा। गोपियां कह रही हैं कि आप बरदेश्वर हो, बरदेश्वर भूल गए, आपने बर दिया था, हम तो कात्यायनी की आराधना कर रही थी, कात्यायनी से बर मांग रही थी। महाराज बड़ा विलक्षण, ये पहला प्रयोग है। आराधक जिस इष्ट की आराधना करता है वही इष्ट दर्शन देता है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, मां जानकी ने गिरजा की आराधना की, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुकुचंद चकोरी, खसी माल मूरति मुस्कानी, और वहां से वचन भी मिल गया, मन जाहि राचो मिले सो वर सहज सुंदर सांवरो। किंतु यहां गोपियां आराधना कर रही कात्यायनी की। स्पष्टम स्पष्टम हेमंते हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, हेमंत ऋतु के प्रथम मास में नंद ब्रज की कुमारियां कन्याएं यमुना में जाकर स्नान करती हैं, और स्नान करने के बाद कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी प्रतिम में कुरुते नमा। देवी जी तो आई नहीं, ये देवता ही जी प्रकट हो गए, और गजब के देवता प्रकट हुए जी। अभी तक तो सुना था माखन चुराने वाला था, दूध चुराने वाला था,
आप तो ये कपड़ा चोर प्रकट हो गया, चीर चोर जी। और चीर चोर वो लीला बड़ी अद्भुत है, ये चीर चोर चीर उठा करके कदम के वृक्ष पर चढ़ गया, और चढ़ गया तो गोपियों ने, भाई पढ़ी लिखी भी गोपियां थी उसमें, कई आचार्यों ने माना कि चारों वर्ण की थी, श्री कृष्ण के सामने कहने लगे कि देही वासांसि धर्मज्ञ, ये धर्म की दुहाई दे रही थी कि आप धर्मज्ञ हमारे वस्त्र दे दो। दूसरे ने कहा आप नहीं दोगे तो राजा से शिकायत करेंगे, नोचेद ब्रुआ में है। और बाद में कई गोपियों ने कहा कि हम तुम्हारी दासी हैं, हम पर अनुग्रह करो। तो भगवान ने कहा यदि तुम सब दासी हो तो दासी का परम कर्तव्य है स्वामी की आज्ञा माने, चलो आज्ञा मानो। और उसके बाद श्री कृष्ण ने जो उनको वर दिया है, देना चाहिए था कात्यायनी को वर, और दे दिया कृष्ण ने वर। और वर क्या दिया कि आने वाली रात्रियों में तुम्हारे साथ विहार करेंगे। अच्छा ये रात्रि शब्द क्यों प्रयोग किया, दिन में क्यों नहीं, ये रासलीला क्या दिन में नहीं हो सकती थी? ध्यान दीजिएगा, रात्रि अविद्या का द्योतक है, अविद्या में भी कृष्ण यदि विद्या बनकर के दर्शाए दर्शन देने लगे तो कितना महत्व है। अरे प्रकाश में तो कुछ भी दिख जाता है, किंतु अंधकार में परमात्मा दिख जाए कितनी बड़ी कृपा है। आने वाली रात्रियों में तुम्हारे साथ विहार, तो उस वर का स्मरण करा रही कि तुम हमारे वर हो। और एक बात और भी कह दी, ओ श्रीमान जी अपने हाथ से 20 लता लगाने के बाद भी कोई काटता नहीं है, आपने ये तो प्रेम की लता लगाई है। मास्म छिंद्या, ये जो आशा थी मिलन की ये लता है, और ये लता इस समय फलवती हो गई है, इसमें पुष्प आए हैं, और पुष्पों का रस लीजिए। आप इस आशा लता को काटिए मत। आसाम भ्रताम त्वयि चिराद अरविंद नेत्र, एक महापुरुष ने अरविंद नेत्र का अर्थ बड़ा रसीला किया। वैसे तो अरविंद नेत्र श्री कृष्ण का संबोधन है, हे अरविंद नेत्र, वैसे इसके सारे बहुत सारे अर्थ हैं, एक दो अर्थ रसीला रख करके फिर मैं बढ़ूंगा। अरविंद नाम किसका है? कमल का। कमल के समान जिनके नेत्र हैं वो अरविंद नेत्र, बड़े बड़े नेत्र। वैसे तो हमारे तुलसीदास जी महाराज को ये अरविंद की उपमा बहुत अच्छी लगती है। बाबा ने तो नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, सब जगह भगवान के नेत्र कमल, अधर कमल, नासिका कमल, हस्त कमल, पाद कमल, सब कमल कमल है। तो यहां नेत्र कमल का अभिप्राय, अब कमल को पहले समझो बाद में नेत्र समझ लेना। कमल किसके प्रकाश में खिलता है? सूर्य के। अच्छा, सूर्य के साथ खिलता है, सूर्य के साथ मुरझा जाता है। जैसे सूर्य उदित होता है कमल खिल जाता है, और जैसे सूर्य घूमता रहता कमल भी वैसे घूमता घूमता, सायंकाल जैसे सूर्यास्त हुआ तो बंद हो जाता है। अर्थात रात्रि में कमल खिला नहीं होता, तो आपके कमल नेत्र हैं तो रात्रि में खुले नहीं है। अब इस समय तो रात्रि है शरद पूर्णिमा की, और रात्रि के होने के कारण तुम्हारे नेत्र खुले नहीं हैं, और नेत्र न खुले होने के कारण आप हमको जान नहीं रहे हो कि हम कौन हैं। नेत्र खुले कैसे पहचान पाएगा कोई? हम आपसे प्रेम करने वाली हैं, हम सर्वधर्म संन्यासिनी हैं, आप हमको निहार नहीं पा रहे हो, इसलिए कमल नेत्र, तुम यदि कम से कम हमको निहार नहीं पा रहे हो तो कान से हमारी बात तो सुन लो।
अच्छा, आप लोगों को शायद जानकारी हो या न हो, भगवान की बड़ी विलक्षणता है। भगवान किसी के यदि नेत्र लेते हैं ना, आपको बताएं, उसकी दो इंद्रियां बड़ी प्रबल कर देते हैं। अंधे लोगों को आप देखना, दो इंद्रियां प्रबल, एक तो कर्णेन्द्री और एक स्पर्श इंद्री, दोनों प्रबल होती हैं उसकी। वो छूकर बता देगा, अभी तो बूढ़ा हो गया, राम झूला जब बना था ना, हमारे रामायण जी ने देखा होगा, तो एक अंधा सुंदरकांड का पाठ किया करता, हनुमान चालीसा सुनाता था, और महाराज हमने देखा कि उस समय इतनी भीड़ होती नहीं थी, मैं भिक्षा लेकर जाता था, तो जब देखता था कोई नहीं है तो रुपया संभालता था, तो मैंने देखा कि पांच का नोट पांच में, दस का नोट दस में, और जो सब गड्डी बनाता था, तो मेरे को लगा कि ये व्यक्ति अंधा नहीं है, क्योंकि कैसे पता चलेगा ये दस का है। तो हमने कहा इसकी परीक्षा करते हैं, बालक थे तो दस के नोट के बराबर का एक कागज काटा, कागज, और उसके कटोरे में डाला, जैसे कटोरे में डाला तो वो ऐसे नोट पकड़ करके कहता है, काहे को मजाक करते हो, कागज काहे को डालते हो। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति अंधा नहीं है, कागज कैसे पहचान, नोट भी कागज का है, ये भी कागज ही है, इसको कैसे पता चला। तो बोले हमारे साथ काहे को मजाक करते हो, हम तो नाराज हुए कि तुम अंधे नहीं हो और तुमको ये पहचान है। बाद में पूज्य स्वामी जी महाराज से मैंने कहा कि ऐसे ऐसे किया, तो स्वामी जी ने कहा कि तुम मूर्ख हो, और भगवान जिसके नेत्र लेते हैं उसकी स्पर्श इंद्री प्रबल कर देते हैं, वो स्पर्श से पहचान जाएगा कि कौन है। कान इतने प्रबल होते हैं कि पादप विन्यास से उससे पता चल जाता है कि कौन आया है, पादप विन्यास। इसलिए तृतीय स्कंद में हमारे सुखदेव जी महाराज ने धृतराष्ट्र के लिए शब्द एक प्रयोग किया कि धृतराष्ट्र तो पहले से ही अंधा था, किंतु बाहर की आंखें किसी की फूटी हों तो लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रज्ञा चक्षु, उसको अंधा नहीं कहेंगे, प्रज्ञा चक्षु कहेंगे। अभिप्राय क्या है कि उसकी प्रज्ञा ही उसके नेत्र बन गई है, बुद्धि उसकी नेत्र बन गई। अच्छा, उसको स्मरण शक्ति बहुत होती है, जो सुन ले वो याद हो जाए। ऐसे ऐसे महाराज हमने नेत्रहीन लोगों को देखा है कि शास्त्र के पूरे शास्त्र कंठ हैं, पंक्ति के पंक्ति, भगवान की कृपा है उन पर। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था कि उसको सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये अब अंधा हुआ है धृतराष्ट्र, क्यों? बोले द्रौपदी क्रंदन करती रही किंतु उसके क्रंदन की ध्वनि उसके आंख कानों तक नहीं गई। ध्यान रखना, बुद्धि का नष्ट हो जाना सबसे बड़ा खेल गड़बड़ है। गोपियां मानो कह रही कि तुम्हारे ठीक है, रात्रि में आंखें तो नहीं खुल रही हैं, कमल नेत्र हो ना, आंखें नहीं खुल रही किंतु कान तो खुले होंगे, काना के आंखों से हमको नहीं पहचान पा रही हो, रहे हो कि मैं कौन हूं, किंतु हमारी आवाज से तो पहचान जाओ कि मैं अमुक हूं और तुमसे प्रेम करने वाली हूं, इसलिए अरविंद नेत्र। एक महात्मा कहते नहीं नहीं, कमल का स्वभाव होता है वो बहुत शीतल होता है। आपको बताएं, किसी को जल जाए ना तो कमल को उचल करके उसको रख दो जले हुए में, तो उसको शीतलता मिलेगी। कमल की विशेषता, कमल शीतल है। तो बोले कमल नेत्र हो तो तुम्हारे नेत्र बहुत शीतल हैं, हमको उपेक्षा भरी आंखों से मत देखो ना, हमको प्यार भरी आंखों से देखो, ये आपकी आंखें हमें मार डालेंगी। आप ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने कोई आपका अपराध कर दिया हो, इसलिए हे कमल नेत्र आपके, मैं जानती हूं कि जैसे कमल असंग होता है
वैसे तुम्हारे नेत्र भी असंग हैं, असंगता के प्रतीक है। और एक गोपी कहती, नहीं नहीं श्याम सुंदर, आप कमल नेत्र हो और कमल नेत्र होने के कारण हम तुम्हारी अनुरक्त हो गई। बड़े बड़े जिनकी आंखें होती हैं लोग वो आकर्षण के केंद्र बन जाते हैं। आपके नेत्र बड़े बड़े हैं इसलिए आप आकर्षण के केंद्र हो और हम आपकी अनुचर बन गई हैं। कन्हैया ने कहा कि मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो आपको अपना अनुचर बनाया नहीं। तो गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर से, चित्तम सुखेन भवताप हृतम गृहेशु। हे जीवनधन, ये सुखेन को यदि तृतीयांत मानोगे, सुखेन ये कृष्ण के साथ कि आपने सुख पूर्वक हमारे चित्त को चुरा लिया। कई बार क्या होता है, कई लोग बहुत जल्दी जेब काट लेते, उनको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता और कई जेब कतरे बहुत समय तक भागना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता। हमको किसी ने बताया कि एक व्यक्ति चोर था। वो अच्छा महाराज, ये चोरी करने वाले लोग सौदा कर लेते हैं, एरिया होता है ना कि माल इतना इसके पास, हम तो नहीं काट पाए, तुम इसको ध्यान देना, तुम्हारी एरिया में आ रहा है। तो एक व्यक्ति का जेब काटना था, उसके पास कुछ हीरे थे। तो क्या करता था कि ट्रेन की यात्रा कर रहा था, तो जब सोने का समय होता था और वो चोर भी साथ ही था, तो चोर जाता था लोकशंका आदि के लिए, तो उसी के पैंट में अपने हीरे डाल, उसके कोट के जेब में डाल देता था हीरे। अब ये लोकशंका है तो 70-80 दूसरे के लिए का अपना थोड़ी लेता था कि हमारा कोट टका है, इसमें हीरा है कि नहीं है, और बाद में उठा के रख लेता था जब इधर उधर जाए। तो कई दिन यात्रा के बाद भी वो चोर चोरी नहीं कर पाया। उसने कहा कि सच सच बताओ, मैं हार मान गया, आज तक हार नहीं माना, हमने बड़े बड़े हाथ मारे, बड़े बड़े लोगों की चोरी की है, मेरा चोर भी बड़े विलक्षण होते हैं बाबूजी। एक बार मैं कथा करके बंगलोर से कोल्हापुर जा रहा था, तो एक मीरज जगह, वहां से ट्रेन पहले बदलनी होती थी, तो पता चला कि ट्रेन इस समय कोल्हापुर तक ही जा रही है, तो सब लोग उतर गए, मैं पकना अकेला रह गया। जैसे अकेला रह गया उसमें यात्रा में, अब मेरे साथ ठाकुर जी थे थैले में और ठाकुरानी भी थी साथ में, लक्ष्मी महारानी दोनों थी। अब लोग शंका जाए तो कैसे जाए, उसको थैले को लेकर कैसे जाए, ठाकुर जी हैं, छोड़कर कैसे जाए, पूरा डब्बा खाली। फिर अपने राम ने सोचा जो होगा सो देखा जाएगा, लोकशंका तो करी है। लोकशंका करने गए, जैसे निकले तब से एक सज्जन हृष्ट पुष्ट हमारा थैला ही लेके जा रहे थे ठाकुर जी वाला, और बड़े मौज से जैसे उनके बाप का हो। फिर मैंने सोचा कि शायद भर में ऐसा रंग का थैला दूसरा भी हो सकता है। अपने राम ने सोचा कि देखने जाएंगे जब तक, तब तक तो ये निकल जाएगा, और इसमें लक्ष्मी जी भी, कथा की दक्षिणा भी है, गड़बड़ मामला होगा। तब तक मारा थोड़ा सा ट्रेन धीमी होने लगी और उतरने के चक्कर में पड़ा वो। अच्छा, उसको पता नहीं था कि ये मेरा है, क्योंकि वो आया तो कोई था ही नहीं, तो अपने राम ने पकड़ लिया। जैसे पकड़ा तो उसने चाकू निकाल ली, अब दो ही थे, अब हमने चाकू भी छीन ली और उसको पटक लिया अंदर। और पटक करके तब तक दो लोग आ गए, हमने कहा पुलिस बुलाओ, तो पुलिस आ गई। अब वो पुलिस वाले बैठे थे उसको पकड़ करके, हम भी बैठे थे, तो हमने उसको बड़े प्रेम से कहा, हमने कहा कि तुम संकल्प करो कि आज के बाद हम कभी चोरी नहीं करेंगे तो तुमको 11,000 रुपया दक्षिणा देंगे। मैंने कहा मैं देता हूं आपको, चोरी नहीं करना। तो हाँ, प्रणाम करके कहता है, महाराज चोरी तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, और आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप मुझे पाई पैसा मत देना। तो हमने कहा कमाल का चोर है, पैसा भी नहीं ले रहा है और कह रहा है कि आप हमको छोड़वाओ भी नहीं। हमने पूछा उसको कि पैसा क्यों नहीं ले रहा है तू,
पैसा के लिए तो चोरी किया है, तो मेरे से कहता है आप एक भ्रांति छोड़ दो। मैंने कहा कौन सी भ्रांति? कि आपने हमको पटक लिया है, आपने हमारे हाथ से चाकू छीन ली है। मैंने आपको चाकू मारी नहीं, क्योंकि आप महात्मा थे, और मैं आपका पैसा लूंगा नहीं, मुझे पता ही नहीं था थैला आपका है। और दूसरी बात, पुलिस दो पुलिस वाले थे, कहता है यदि आप 11,000 दोगे तो 1,000 हमको मिलेगा और 10,000 ये मामा जी ले जाएंगे। ऐसे ही कहा, बोले 10,000 ये मामा जी ले जाएंगे। तो पुलिस वालों ने दो मारा उसको, और मारकर कहा तो फिर अच्छा, पुलिस वालों ने कहा कि रिपोर्ट लिखाओ। रिपोर्ट लिखाने लगे तो फिर प्रणाम करके कहता आप मत रिपोर्ट लिखाओ। हमने कहा क्यों? बोले हमारा तो रोज का काम, और ये हमको अभी छोड़ देंगे, तो आपकी रिपोर्ट होगी, बाद में कभी मैं पकड़ा जाऊंगा, जब पकड़ा जाऊंगा तो फिर वृंदावन से यहां आना पड़ेगा, तो आपको आना ना पड़े, आप चक्कर में मत पड़ो, इस रिपोर्ट मत लिखवाओ। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि ऐसे भी चोर होते हैं जी। तो कई लोगों को चोरी करने में बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, और कई हमारे लाला जैसे ईमानदार चोर भी होते हैं जी, उनको कोई चोरी करने में पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। गोपियां कहती हैं कि आपने हमारे चित्त को चुरा लिया है सुखपूर्वक, आपको तो हमारे चित्त की चोरी करने के लिए कोई पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ा। ये तृतीयांत का अर्थ बता रहे हैं। दूसरा अर्थ देखिए, एक गोपी ने कहा श्रीमान जी आप हमारी ओर देखो, कन्या उधर आंखें घुमाई तो कहा कि आपने चित्त ही नहीं चुराया है, चित्त के साथ हमारा सुख भी चुरा लिया। अब न जीवन में सुख है न चैन है। क्यों, कहां चला गया सुख चैन? बोले घर गृहस्थी में, ये गृहेशु में पंचमी है, घर में परिवार में मैं अपने मौज से रहती थी, मुझे कोई कष्ट वष्ट नहीं था, हमारा चित्त काम धंधे में खूब लगता था, सुबह से झाड़ू करती थी, पोछा करती थी, बर्तन धोती थी, गाय दूती थी, पति की सेवा करती थी, कब सुबह कब शाम, कुछ नहीं था मामला, किंतु सारा गड़बड़ खेल तूने कर दिया। घर गृहस्थी में रमने वाली हम, और तूने क्या किया, मुस्कुरा करके देख लिया, यहां तुम्हारा सब कुछ चला गया। चलो कोई बात नहीं, चित्त ले आया तो ले आया। एक आचार्य चरण ने तो बहुत अच्छी बात कही, वो आचार्य चरण कहते हैं कि भगवान ने गोपियों के चित्त को चुरा लिया था, अब ये जैसे किसी की गाय भैंस बकरी चोरी चली जाए तो लोग अपना ढूंढते हैं गाय कहां गई। हमने तो मेरा सुना है कि कई बार ऊंट खो जाता है ना राजस्थान में, तो मटके में खोजते हैं। आप कहोगे मटके में कैसे, कोई चीज खो जाए तो आप देखना जहां ना भी संभावना वहां भी खोजते हैं। अब मटके में कहीं ऊंट घुस सकता है, संभावना नहीं। हमने देखा कभी कोई वस्तु खो जाए तो सब जगह खोजते, अब वहां जाने की संभावना ही नहीं है, किंतु चित्त से शायद चली गई हो। तो कहा कि गोपियों के चित्त को भगवान ने चुरा लिया था, और चुरा करके भाग आए श्रीमान जी वन में रात्रि के समय। तो गोपियां महाराज अपने चित्त को खोजने के लिए आई थी, कोई कन्हैया वनिया के पास नहीं आई थी कि हमारा चित्त कहां है, चित्त कहां है। और जब गाय आदि खो जाती तो गांव के लोग बड़ा खोजते हैं, कहां चली गई कहां चली गई। तो खोजते खोजते ये मिल गए श्रीमान जी चोरों के सरदार। तो कहा अच्छा आप चित्त को चुराकर यहां बैठे हो, अब हमारा चित्त दे दो। कन्हैया ने कहा को झूठ मूठ के हमारे ऊपर आरोप लगाती हो, तो चलो चित्त तो दिया नहीं, पैरों की और हाथ की चलने की काम करने की शक्ति और खींच ली। अब तो न चलने का सामर्थ्य रहा न काम करने का सामर्थ्य रहा। पादौ पदम न चलतस तव पाद मूलात, आपके चरण पादों से महाराज ये पैर ही नहीं चलते हमारे, चलने की शक्ति खींच ली। आपको क्या कहें,
प्रेम भी बड़ा अद्भुत है जी। वो उद्धव को जब गोपियों ने देखा ना वृंदावन में, प्रणाम कर रहे थे गोपियों को, तो गोपियों ने एक भ्रमर की उपमा देकर गीत गाया, भ्रमर गीत। भ्रमर गीत बहुत अद्भुत है। भ्रमर गीत के एक एक श्लोक इतने रसीले हैं और प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन है। आप लोग पढ़िएगा कभी, हमारे गीता प्रसिद्ध उद्धव संदेश, छोटा सा कलेवर है, बहुत छोटा है, हमने लगभग उसको शायद 50 बार से ज्यादा पढ़ा होगा और बचपन से पढ़ रहा हूं। जितनी बार पढ़ता हूं लगता है कि पहली बार पढ़ रहा हूं। वो कोई बंगाल के महानाम ब्रह्मचारी जी हैं, उनकी बांग्ला भाषा का अनुवाद है शायद, वो अद्भुत ग्रंथ है। वो उसमें भ्रमर गीत के जो भाव रखे गए, जल्प उज्जल्प संजल्प प्रतिजल्प अतिजल्प आदि भावों का प्रयोग है प्रेम की पराकाष्ठा का, तो उसके प्रथम श्लोक में जैसे भौरा श्री किशोरी जी के चरणों में बैठा, श्री किशोरी जी श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थी, तो किशोरी जी ने डांटा भौरे को, मधुप कितव बंधो माश प्रशांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम स्मश्रुभिर नह बहत मधुपतिस्तन माननी नाम प्रसादम। डांट करके गोपियों ने कहा कि अरे भौरे, तू कपटी और तेरा मित्र कपटी, तू कपटी का सखा है। कितव बंधो, कितव बंधो माने कपटी का मित्र। हमारे टीकाकार ने लिखा है, दूसरी सखी ने कहा, इस बिचारे को काहे को डांट रही हो, इसका क्या दोष है, तुम्हारे चरण कमल इतने कोमल हैं। और उसको भ्रम हो गया होगा, भंवरा है ना, लाल लाल चरण है, तो उसको भ्रम हो गया होगा कि ये कमल है इसलिए बैठ गया है। मान्य जी ने कहा कि बावरी, तू नहीं जानती, ये मेरी सौतों का भेजा गया है, तो सौतों ने भेजा है तो क्या लाभ होगा सौतों का। अरे तुझे पता नहीं है, इस भौरे के सून में एक सामर्थ होता है। क्या सामर्थ होता है? जिस पुष्प पर वो बैठता है, बैठ करके धीरे से उस सूर चुभा करके अपनी पराग खींच लेता है। अच्छा, पुष्प बिगड़ता नहीं है, आप पराग लेने जाओ तो पुष्प चौपट हो जाएगा, मिलेगा भी नहीं, और वो सूर से खींच लेता है। तो इसकी योग्यता देख करके मथुरा की नागरियों ने इसको यहां इसलिए भेजा है कि प्रणाम करने के बहाने से गोपी के चरणों में बैठना और बैठ करके उसकी चलने की शक्ति को खींच लेना, जिससे मथुरा चलकर कभी ना पाए। महाराज, प्रेम में ऐसी ऐसी उत्प्रेक्षाएं, आपको क्या कहे, इतना रस है उसमें। मैं तो कई बार पढ़ता हूं कि ऐसी भी सोच हो सकती है, ऐसी भी बुद्धि जा सकती है। तो एक गोपी ने कहा, मुझे तो लगता है तू भौरा है, दिल चुराया, और दिल चुराने के बाद तूने पैरों की चलने की शक्ति चुरा ली, अब हाथ की काम करने की शक्ति चुरा ली, और कहते हो जाओ जाओ घर जाओ, निकम्मी को कौन पसंद करेगा, अब वहां नहीं जाएंगे। यामह कथम ब्रज मथो करवाम किम वह। हमारे महर्षि कहते हैं कि भगवान ने कहा, अच्छा तुम्हारे हाथ पैर कमजोर हो गए हैं और तुम चल नहीं पाती हो, तो एक काम करते हैं, अभी सूचना भिजवाते हैं और बाबा से कहते हैं एक बढ़िया सी बैलगाड़ी भेज दो, इनके पैर काम नहीं कर रहे, इनको बैलगाड़ी में बैठाल कर घर भिजवा देते। तो गोपियों ने कहा, बैलगाड़ी से यदि घर भिजवा भी दोगे तो घर में जाकर हम करेंगी क्या। और महाराज एक बात और बताएं आप सबको, ये प्रेम बड़ा विलक्षण होता है, हम तो इसका अनुभव करते हैं। कैसे अनुभव करते हैं? प्रेमी व्यक्ति बहुत स्वादु भोजन नहीं बना सकता, आसामत रखना,
जब प्रेम में चित्त डूबा होता तो कई बार सब्जी में नमक ही नहीं पड़ता। मैं तो कई बार हंसता हूं कि शायद घर में प्रेम में ज्यादा डूबे होते हैं लोग ना, तो नमक की जगह कहो चीनी डाल दें, और चीनी की जगह कभी नमक डाल दें। तो ये जो गुजराती लोग हैं ना, ये लाला ने उनको अपने प्रेम में ऐसे डुबाया कि महाराज नमक की जगह वो चीनी डालना चालू कर दिए, इसीलिए तो मीठा खाना चालू कर दिए। हर चीज में, दाल में कहीं चीनी पड़ती है, गुड़ पड़ता है, सब्जी में कहीं गुड़ पड़ता है, सब चीज मीठी। अच्छा, गजब की बात यह होती है कई बार डबल भी पड़ जाता है। और हमने ये भी देखा है कि महाराज कई बार मानो कोई देवी चिल्ला बना रही, उसका चित्त कन्हैया में लगा है पाठ में, तो जिससे पलटा जाता ना, कल छुल उस जगह का अपना हाथ ही चला जाए, ध्यान ही नहीं रहता। हमने कई प्रेमियों को देखा, हाथ जला लेंगे, पैर जला लेंगे, सावधानी नहीं कि ज्यादा अंग आदि जलने लगे तो जान जाना कि कहीं ना कहीं इसका चित्त चुर गया है। क्योंकि यदि चित्त एक जगह होता है तो सावधानी से काम होता है, सब सावधानी से काम होगा, चित्त वहां होगा, शरीर वहां होंगे। अब चित्त चला गया कन्हैया के पास और हाथ है रसोई घर में, तो कहां जाएंगे, ऐसे तो जाएंगे। तो कहा कि अब हमारा काम, काम की नहीं रही, न पति के काम की रही, न परिवार के काम की रही, और अब तो लगता है कि बहुत बड़ा रोग हो गया है। तो कन्हैया ने कहा हम कोई वैद्य जी थोड़ी हैं। बोले नहीं, आपके पास एक औषधि है, सिंचांग तदधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत जहच्छयाग्निम नो चेद वयम विरहजाग्नुपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो हो पदवीं सखेते। आहा, हे सखे, अब हृदय कोमल हुआ थोड़ा, हमारे हृदय में हृच्छय हो गया है। हृच्छय वैसे तो टीवी को भी क्षय रोग बोलते हैं, पहले तो टीवी की कोई बीमारी का इलाज नहीं था। ये हृच्छय क्या है? ये हृच्छय काम है, हमारे हृदय में काम रोग हो गया है। काम रोग ये किसने लगाया? कन्हैया ने कहा, तो गोपियों ने कहा तुमने लगाया और इस रोग को बढ़ाया भी। कैसे? बोले हासावलोक, अवलोकन करके। अच्छा, एक बात ये अदा है जी, मुस्कुरा करके देखना। ये जो ये मुस्कान है ना, मुस्कान का अर्थ मुस धातु से ये है, कान माने होता मर्यादा और मुस माने चुराना, जो मर्यादा को चुरा ले उसका नाम मुस्कान। ओ, वृंदावन में एक नई नवेली आई तो सासू माँ ने समझाया कि थोड़ा सावधान रहना, यहां एक काला भूत रहता है। महाराज आपको क्या बताएं, ये हमारे लाला को थोड़ा नई नवेली की खोज ज्यादा रहती है, वो पुरानी के ऊपर ध्यान नहीं देता, वो तो हमारी ये कहां जाएगी। हमने अपने महाराज जी से सुना कि एक बार हाथ रस की एक सास अपनी बहू को लेकर आई, सच्ची घटना बिहारी जी में। अब लेकर के आई तो वहां ब्रज में परंपरा है, ब्रज की कई परंपरा बड़ी अद्भुत है, हमको पहले समझी भी नहीं आती। अमावस्या के दिन गांव के ब्रजवासी आते हैं और महाराज माला खरीदेंगे, बिहारी जी में दिखाएंगे, लाला ये देख ले माला, और अपने पहन लेंगे और दिन भर पहन के घूमेंगे। वो ब्रजवासियों का खेल ही अलग है जी। तो वो बहू लेकर के आई, दया ब्याह हुआ था तो दर्शन करा रही थी। अब सास के दिमाग में तो बहुत बोझा होता है, वो तो महाराज तुरंत दर्शन करके बाहर निकल गई। दरवाजे के बाहर गई तो देखा बहू नहीं आई, तो फिर गई। बहू तो लाला के
आंख से आंख मिलाप खड़ी थी, तो हाथ पकड़ करके कहा कि चल रही। उसने कहा चलने दे तब तो चलूं, ये चलने दे तब तो चलूं। बार बार आंख से इशारा करा कि अभी रुक अभी रुक। सास तो साठ ठहरी, हाथ पकड़कर खींचती हुई लाला को देखकर बोली, क्यों रे 500 वर्ष का बूढ़ा हो गया, किंतु तेरी पुरानी हरकत नहीं गई, अब तो बूढ़ा हो गया, शरम कर शरम। सास को छोड़ता और बहू को पकड़ता है, और महाराज उसको पकड़ करके लेकर जा रही थी, खींचती भई, वो बार बार लाला को मुड़कर देख रही थी। उसका पैर दहली में लगा और धड़ाम से वो गिर गई और उसके प्राण वहीं निकल गए। इसलिए आज भी महाराज वहां खतरा है, इसलिए आप जाओगे बिहार जी के दर्शन करोगे तुरंत पर्दा बंद हो जाता है, पता नहीं किसकी आंख में आंख डाल के कह दे कि मत जाओ। अब तो आंख आंख मिचौनी करने वाला हमारा लाला पता नहीं किसकी आंख में आंख डाल दे। इसलिए वो गुसाई लोग महाराज पर्दा बंद करते रहते बार 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 बार। जो प्रेमी होते कई बार खतरा कर लगता है, कमाल है, थोड़ी देर खुला रहने दो भाई, क्या जाता है, वो तुरंत बंद कर देती। ये परंपरा तभी से चली, और ऐसी घटनाएं कई घटी हैं जी, कई घटी हैं। हमारे एक महर्षि के सेवक थे पूज्य स्वामी श्री प्रबुद्धानंद जी महाराज, और उनके भाई थे, आगरा के थे शरीर उनका, वैश्य परिवार का। मैं उनको लेकर गया बिहारी जी, हमारे साथ में थे, और बिहारी जी के इधर सीढ़ी से चढ़कर दिल्ली पर पहुंचे और गिरे, प्राण निकल गए, तुरंत प्राण निकल गए उनके। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था, गोपांगनाएं कह रही हैं कि आपने हमारे हृदय को चुरा लिया, चित्त को चुरा लिया, और अब क्या किया है, ये मुस्करा मुस्करा करके हासावलोक कल गीत। तो मैं निवेदन कर रहा था कि नई नवेली बहू आई वृंदावन में, तो उसकी सास ने कहा कि बाबरी एक ध्यान रखना, कोई किसी के पायजेब सुनाई पड़े तब भी मत देखना, पायजेब बजाता है जिधर देखो तो चित्त चुरा लेता है, बांसुरी सुनाई पड़े तब भी मत देखना, तुम्हारी मटकी पर कोई कंकड़ मारे तब भी मत देखना, वो तो महाराज ऐसा ऐसा विलक्षण है कि तुम देखो नहीं तब भी दिखाता है, बोलो नहीं तब भी बुलाता है, एक बार उधर जाना मत। वो महाराज नई नवेली जब गई पानी भर रही थी, कन्हैया हमारे आ गए और जो बजाई वेणु, तो सास की बात भूल गई, हाथ से मटकी छूट गई, और मटकी छूट गई उधर देखने लगी, तब तक एक चतुर सखी आई। उसने कहा सुनती हो कहा भज जाओ घरे, सुनती हो कहा भज जाओ घरे, बिद जाओगी नैनन के बानन सो, कुल कान जो अपनी राखन चाहो, कुल कान जो अपनी राखन चाहो, दई राखो अंगुरी दो कानन में। तो देखो मुस्कान का अभिप्राय यह है कि जैसे आपने देखा, तो कुल कान, कान माने होता है मर्यादा, ये मर्यादा को चुराने वाला कन्हैया, तो महाराज तुमने तो हमको चुरा लिया, और उसके कारण हमारे हृदय में अब अग्नि बढ़ गई है, यह क्षयाग्नि अग्नि बढ़ गई है। तो अग्नि बढ़ गई तो क्या करें, बोले अग्नि जब बढ़ जाती है पेट में अग्नि बढ़े तो महाराज घी डालो। कन्हैया बोले ये कौन सी नई बात है, घी डालेंगे तो और जलेगी, और जलेगी तो गढ़। बोले मैं चाहती हूं जले, तो कौन सा घी डालना है, बोले अपने अधरामृत का घी डालो। ध्यान दीजिए, ये जो अधरामृत है ना, अधरामृत, आप इसको गलत अर्थों में मत लो, ये अधरामृत भगवान की मीठी वाणी है। मीठा मीठा कैसे बोलेगा, अधर से ही तो बोलेगा। आप मीठी मीठी बाली बोलो और मीठी मीठी चर्चा करो, जिससे हम यहां रह जाएं आपके। और कन्हैया ने कहा नहीं बोला तो धमकाती हैं जी, यही तो प्रेम का, नो चेत वयम, अगर आप नहीं करते हो तो हम भी एक आग जलाएंगी, और आग जला करके अपने शरीर को राख कर देंगी। कन्हैया ने कहा ये शुभ काम जल्दी करो, तो गोपियों ने कहा घाटा है, क्या घाटा है, बोले घाटा ये है कि यदि हम मरेंगी तो आपका चिंतन करते करते मरेंगी, तो हम सब कृष्ण बन जाएंगे।
और आप भी हमारा चिंतन करते करते जाओगे तो आप गोपी बन जाओगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जो कष्ट हमको हो रहा है वो आपको न हो, इसलिए आप जो हम कहें वो कहते चलो, करते चलो। ऐसी प्रेम भरी वार्ता गोपांगनाएं गोविंद हंस से कर रही हैं। शेष चर्चा फिर करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उनके चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।